कार्यक्रम हुआ है? नहीं, दो नहीं तीन संस्था मिलकर हम लोग कार्यक्रम को किए हैं। एक और संस्था है जिसका नाम है उड़ान फाउंडेशन, और पहला एक संस्था है माँ सरस्वती फाउंडेशन और नव झारखंड फाउंडेशन। माँ सरस्वती फाउंडेशन के जरिए हम लोग सिर्फ माँ शारदा का यहाँ पे कार्यक्रम करते हैं, और नव झारखंड फाउंडेशन के जरिए पूरे महाराष्ट्र में जहाँ भी हमारे लोग हैं, जहाँ गरीब तबके के लोग, जहाँ किसी को परेशानी है महाराष्ट्र के लोगों को, तो इन सारे को हेल्प करने के लिए हमने नव झारखंड फाउंडेशन के बैनर तले हम लोग पूरे महाराष्ट्र में काम करते हैं। यहाँ तक कि झारखंड में भी इसके ज़रिए हम लोग अपने अपने क्षेत्र में काम चल रहे हैं। आज भी वहाँ पे हमारा माँ शारदा बसंत पंचमी के मौके पे बहुत सारे स्कूलों में वहाँ पे आदिवासी बच्चों को हमारे जो चेयरमैन हैं किशोरी राणा जी, उनके बहुत सारे लोग मिलके वहाँ पे पुस्तक बांटने का कार्यक्रम चल रहा है झारखंड में। तो महाराष्ट्र में और कहाँ कहाँ आपके फाउंडेशन के जरिए कार्यक्रम किए गए? नहीं, हमारा फाउंडेशन के जरिए और कहीं कार्यक्रम नहीं है, सिर्फ मीरा रोड में ही माँ शारदा का कार्यक्रम है, और बाकी का अलग अलग लोग जगह जगह पे हमारे फाउंडेशन का ब्रांचेस है, पूना में है, ऐसे जहाँ भी हमारे लोग हैं हम लोग जहाँ तक पहुँचे हैं वो सारे जगह पे छोटे छोटे पैमाने पर ब्रांचेस है, कहीं पे 100 लोगों का मेंबर्स हैं, कहीं 200 लोग हैं, कहीं 500 लोग हैं, इस तरह से हमारे पूरे मुंबई में ब्रांचेस हैं, और हम हर जगह पे हेल्प करते हैं, हमारी एक टीम है जो अपने के लोगों को। और आप क्या संदेश देना चाहते हैं इस फाउंडेशन के माध्यम से? महाराष्ट्र के लोगों को मैं इसे संदेश यही देना चाहूँगा कि हम भी झारखंड से आए थे एक रोजी रोटी की तलाश में, लेकिन अभी हम लोग इस महाराष्ट्र की धरती ने हम लोगों को बहुत कुछ दिया। हम लोग ने कमाए, बहुत कुछ किए, यहाँ से गांव में घर बनाए, बहन की शादियाँ किया, बहुत सारे ऐसी खुशियाँ हम लोगों के जीवन में महाराष्ट्र की धरती से मिला है। अब उसके बदले में हम भी चाहते हैं कि यहाँ के कल्चर से मिल के, अपने से कंधे मिला के, हमारे जो समाज को किसी को महाराष्ट्र में रहने की सही संस्कृति पता नहीं है, तो उस संस्कृति को हम लोग डेवलप कर रहे हैं कि हम लोगों को जीना कैसे है, महाराष्ट्र में रहते हैं तो कैसे जीना चाहिए, महाराष्ट्र में जीने का एक मकसद है, हम यहाँ की संस्कृति और वहाँ की संस्कृति को मिक्स करके चले तो एकदम आपस में हम भाईचारगी की ज़िंदगी जी सकते हैं। यही हम अपने लोगों को भी सीख दे रहे हैं, और यही सोच है हमारी संस्था का। थैंक यू।